Hello everyone, welcome back to our channel. The topic that we are going to talk about today is general principles of business ethics. So, there are two types of principles of business ethics first one is general principles, and second is specific principles. Today, we will talk about general principles. जिसमें सबसे पहले है ऑनेस्टी जो भी एथिकल एग्जीक्यूटिव हों वो ऑनेस्ट होने चाहिए और ट्रस्ट करने के लायक होने चाहिए जो भी वो डीलिंग कर रहे हैं उसमें ना कि ऐसा हो कि वो चीट कर रहे हैं बाई मिस लीडिंग ओवर स्टेटमेंट दे करके या फिर ऐसे किसी को चीट कर रहे हैं सेकेंड इज़ इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी झलकती है जब आप अपने थाट्स वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखते हो और जो हमारे एथिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे शुड सेट एन एग्जाम्पल बाई डूइंग व्हाट इज़ राइट इवन इफ़ उन पर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो गलत करने का दे शुड बी प्रिंसिपल्ड ऑनरेबल एंड अपराइट एंड उनको हमेशा स्टैंड लेना चाहिए अपने अच्छे थाट्स के लिए नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी इसमें यह कह रहे हैं कि जो हमारे एथिकल एग्जीक्यूटिवस को एक्नॉलेज करना होगा अपने एथिक्स की क्वालिटी को मीन्स जो भी वो डिसीजन लेंगे फॉलोइंग द एथिक्स दे शुड बी अकाउंटेबल टू देयर कलीग्स कंपनीज एंड कम्युनिटीज यानी कि उन्हें अपने बोल पर अड़े रहना होगा यानी कि जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं उसकी पूरी तरह से जिम्मेवारी उन्हें लेनी होगी और वो भी एथिकल एक्शंस को लेकर के नेक्स्ट इज लॉयल्टी एथिकल एक्जीक्यूटिव शुड भी टोटली लॉयल एंड बी डिटेड टू देयर ड्यूटी एंड उनको कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए जो उनको कॉन्फिडेंशियल रखनी हो सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवांटेज के लिए ऐसा उन्हें नहीं करना और सबसे बड़ी बात उन्हें अपनी पोजीशन का किसी भी हालत में गलत फ़ायदा नहीं उठाना है और फिफ्थ पॉइंट इज कंसर्न फॉर अदर्स एथिकल एग्जीक्यूटि शुड बी केयरिंग काइंड एंड कम्पैशनेट उनको अपने शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख के हर डिसीजन लेना होगा एज इट विल अफेक्ट बिजनेस सीधी सी बात है कि हमें हर एथिक को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन लेना है क्योंकि शेयर होल्डर्स ही हमारे मेन पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस को फाइनेंशियली ग्रो करवाते हैं अगर उनको ये अच्छा नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा लॉस साबित होगा और जो फाइनेंशियल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा जो कि शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ अबाइडिंग अगर हमारे जो एथिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो कंपनी के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये बेशक हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करेगा ही करेगा कि वो कंपनी के कोड एंड एथिक्स को फॉलो नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप एथिकल एग्जीक्यूटिवस को अटेंटिव होना पड़ेगा फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑपरचुनिटीज दे विल गेट सो एज इट विल बी गुड फॉर देयर पोजिशन ऑफ लीडरशिप एंड यही उनको दूसरे एम्प्लॉयज़ का रोल मॉडल बनाता है जिसमें कि एक माहौल पैदा होता है वेयर एथिकल डिसीजनज़ आर मेड आर लास्ट पॉइंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स इज़ रेप्युटेशन एंड मोरल एथिकल एग्जीक्यूटिवस को समझना होगा दैट वट इज़ दी इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर कंपनी एंड देयर कंपनीज रेप्युटेशन एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइड एंड गुड मॉराल ऑफ इम्प्लॉयज़ एथिकल एग्जीक्यूटिवस को प्रोटेक्ट करनी होगी और बिल्ड करनी होगी अपनी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन और दूसरी तरफ ही अपने इम्प्लॉयज़ का मॉराल बढ़ाना होगा ऑब्वियस बात है एक बिजनेस तभी चल सकता है जब उसकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन है और अच्छी रेप्युटेशन कब बढ़ेगी जब हमारे इम्प्लॉयज़ का मुराल बढ़ेगा क्योंकि वही हमारे असली एसेट है अगर हमारा एसेट ही हमारे हित में काम नहीं करेगा तो हमारी रेपुटेशन भी कैसे बढ़ेगी सो so, बिजनेस एथिक्स का ये भी एक प्रिंसिपल होता है टू अपलिफ्ट द मोराल ऑफ इम्प्लॉयज़ दैट विल डेफिनेटली अपग्रेड द रेपुटेशन ऑफ दी Company. So these are the total 8 points of general principles of business ethics. I hope you get them all clear. We will meet in our next video with another great topic. Till then, take care, bye bye, and thank you.